वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने वाले हैं विंटर स्पेशल गाजर और गुड़ वाले राइस। तो आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए, मैंने आधा कप चावल को 30 से 40 मिनट हो गए हैं भिगोए हुए, अच्छे से धोकर उसको भिगो लिया था। एक कप से ज्यादा गाजर ग्रेटेड हैं, मोटे वाले ग्रेटर से मैंने ग्रेट किया है। 10 से 15 किशमिश हैं, उनको मैंने सोक कर लिया है। एक टेबल स्पून घी है। 1/4 कप ये मैंने गोला जो है उसको, ये नारियल सूखा खोपरा जो भी आप कहें वो आता है, उसको ऐसे काट लिया है बड़े बड़े पीसेस में। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आधा कप जितना मैंने चावल लिया है उतना ही गुड़ लिया है। 2 इलायची को कूट लिया है, इसके हम केवल दाने डालने वाले हैं। 8 से 10 बादाम को मोटा मोटा चॉप कर लिया है। 4 से 5 मैंने काजू लिए हैं और थोड़ी सी चिरौंजी ली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जितना चावल लिया है उसका डबल पानी, यानी आधा कप चावल है तो मैंने 1 कप पानी लिया है और उसमें मैं ये गुड़ डाल दूंगी और इसको हम चलाते हुए हिलाते हुए डिजोल्व होने तक पकाएंगे। और जब तक गुड़ पिघल रहा है हमने एक कुकर ले लिया है। कुकर में हम ये 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी में ये बहुत टेस्टी बनते हैं। घी गरम होने की इंतजार करते हैं। घी गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये खोपरा डाल देंगे जो हमने काट के रखा है, ये बहुत टेस्टी लगता है। इसको हल्का भूनेंगे, स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे करना है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये काजू बादाम, इनको भी हम अच्छे से ऐसे भूनेंगे। हल्का सा कलर हमें चेंज करना है, बस वो कच्चापन इसका निकल जाए। तो देखिए ये अच्छे से भुन रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। और आपको इसको बिल्कुल भी जलने नहीं देना है, बिल्कुल सिम गैस पर इसको भूनना है। और देखिए इधर हम गुड़ चेक कर लेते हैं, ये भी जो है अच्छे से घुल गया है, थोड़ा सा ही बाकी है। ऐसे गुड़ घोलने से जो गुड़ की इम्प्योरिटीज हैं वो निकल जाती हैं, क्योंकि हम इसको छानने वाले हैं। ये देखिए अच्छे से भुन गया है और मैंने थोड़ा सा इसमें गार्निश के लिए निकाल लिया है। आप चाहें तो निकाल लें, नहीं तो आप सारा ही ऐसे डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें ये किसी हुई गाजर, जिनको भी हम भूनेंगे। ये 1 कप से थोड़ा ज्यादा है, 4 गाजर के करीब है, मैंने मेजरमेंट आपको बता दिया है। इसको हमें भूनना है, यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगते हैं। हल्का सा ये पक जाए और इसी समय मैं किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश को मैंने घी में नहीं भूना है क्योंकि वो बिल्कुल नहीं तो चावल में डिजोल्व हो जाती हैं। तो आप इस तरह से डाल के देखिएगा। और ये देखिए 2 मिनट के करीब हमें पकाते हुए हो गया है, ये देखिए। और ये थोड़ा गल गई हैं गाजर, आप खाकर देख सकते हैं इनका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए, बस तभी तक आपको इसको पकाना है। अब हम इसमें डाल रहे हैं चावल, चावल डाल दिए हैं, साथ ही हम इसमें ये इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको करेंगे मिक्स। इसको भी हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे, इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैंने केवल आपको आधा कप राइस से बताया है, ये भी 3 लोगों के लिए खाने के लिए सफिशिएंट होता है। आप पहले थोड़े से ट्राई कीजिएगा और कुकर में बनाइए, बहुत आसानी से ये चावल बन जाते हैं। और बढ़िया से भुन गया है, अब हम ये जो गुड़ वाला पानी है इसको स्ट्रेन कर लेंगे। और गुड़ यहाँ पे हमने बिना मसाले का यूज किया है, जो अच्छे वाला गुड़ आता है देसी गुड़ वो हम डाल रहे हैं। तो सर्दियों में गुड़ और गाजर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जरूर खाना चाहिए। एक बार हल्के हाथ से चला के हम इसको कुकर को बंद कर देते हैं और 1 विसल जैसे ही आएगी ना हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि ये मेरा फ्यूचरा का कुकर है तो मैं इसको सिम पर पकाऊंगी चावल, इसमें विसल कम आती है। तो अभी हम मीडियम फ्लेम पर गैस ऑन करेंगे। तो अब हम कुकर चेक कर लेते हैं, इसकी पूरी भाप निकल गई है और ये देखिए बहुत ही यम्मी लगने वाले जो चावल हैं वो बनकर तैयार हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया चावल ये बने हैं, बिल्कुल भी नीचे पानी नहीं है, आप देख सकते हैं।
और बहुत अच्छे बने हैं। तो आइए इसकी करते हैं प्लेटिंग। देखिए बिल्कुल परफेक्ट चावल बने हैं, पूरी भाप निकल रही है और बहुत ही अच्छे से, मैं आपको अंदर भी दिखाऊं, देखिए बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। यानी हमने एक विसल आते ही इसको गैस को सिम कर दिया और 5 मिनट हमने सिम पर इसको पकाया है। परफेक्ट मीठा है, परफेक्ट गाजर है, तो इसी मेजरमेंट के साथ बनाइएगा और बताइएगा कि आपके राइस कैसे बने। तो देखिए लग रहे हैं ना यम्मी, हमने ऊपर से इसको गार्निश कर दिया जो हमने पहले से निकाले थे, और परफेक्ट मीठा है, यानी गुड़ जो है वो परफेक्ट है। आप थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, गाजर भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, पर आप देख सकते हैं ये 3 से 4 लोगों के खाने के लिए है। तो पहले आप आधा कप से ट्राई कीजिए और जैसे मैंने बताया उस तरह कीजिए। अगर थोड़ा सा पानी बचता है तो गैस को सिम करके दोबारा से रख दीजिए, बंद मत कीजिए, खुले में पकाइए। और ये देखिए मैंने चावल भी यहाँ पर ना, रेगुलर जो राइस हम यूज करते हैं बनाने में, थोड़ा सा मोटा होता है, बासमती नहीं भी हो तो भी चलेगा और बहुत बढ़िया बनता है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी क्वांटिटी मेजरमेंट सब बराबर लिख दूंगी, आप उसी तरीके से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।